बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स क्रिएशन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं कि हम कैसे कर सकते हैं पिक्सआर्ट में, ठीक है, अपना कैसे कर सकते हैं पिक्सआर्ट में, मतलब बैकग्राउंड चेंज अच्छे से, मतलब रियलिस्टिक बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं पिक्सआर्ट में बैकग्राउंड रियलिस्टिक तरीके से, कि कोई पहचान ना पाए कि ये रियल है या फेक, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। शेयर पर क्लिक करके किसी को शेयर कर देना है, सबसे पहले स्केच बुक में से मतलब शेयर कर देंगे। आने के बाद ठीक है यहाँ पे शेयर, यहाँ पे जो है क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना, ये वाला ब्रश सेलेक्ट करके ठीक है इसके साइज जो है आपको देख लो क्या साइज रखे हैं मैंने, ठीक है ये साइज रखना है आपको, साइज में इसके जो प्रोफाइल की स्ट्रेंथ आता है साइज अपने हिसाब से रखना, ठीक है। चलो करते हैं, सबसे पहले इसका फेस जो स्मूथ कर लें। फेस स्मूथ करने से जो है ऑटो स्केच बुक जो यूज़ करने से पहले यूज़ करोगे तो एम बी साइज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा के जो है यूज़ करता हूँ, ठीक है, शेडो से, लाइट से शेडो की तरफ, ठीक है। इस तरह आप भी करना, ठीक है, तो फेस जो है बिल्कुल फोटोशॉप की तरह स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह कर देंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हाई लाइट होगी जहाँ पे शेडो होगी वहाँ पे शेडो की तरफ लेके जाएंगे, ताकि हमारा हाई लाइट आए शेडो आगे दूर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हमें करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ गाने। ये काम हो गया, ठीक है। तो इसको शेयर करते हैं, इसके बाद जो है सेव कर लेते हैं। सेव के बाद जो है को कुछ साल में लेके जाएंगे, उसको सेव कर लेते हैं। पहले यहाँ पे सेव करने से ये होता है कि इसका जो साइज होता है, ठीक है, इनकी साइज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ये हो गया सेव। इसके बाद हम चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ से मैं फोटो को अपना मतलब अपलोड कर दूँगा, जो है लेकर आ जाऊँगा पिक्सआर्ट। तो मैंने जो है अपनी फ़ोटो पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया, ठीक है। पिक्सआर्ट में आने के बाद ठीक है सिंपल सा जो है यहाँ पे जो कट का निशान है, ठीक है, यहाँ पर कटआउट, ठीक है, कटआउट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। कटआउट पर क्लिक करके सबसे पहले जो लिखा हुआ देखो, सबसे पहले तो लिखा हुआ है पर्सन, ठीक है, पर्सन पर हम क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। देखो बिल्कुल अच्छे से इसकी कटिंग हो गई है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमें तो हमें क्या करना, ठीक है, इस इरेजर पर दोबारा से क्लिक करना, ठीक है, इसके हार्डनेस बढ़ा के, ठीक है, थोड़े थोड़े जो है मतलब इसको और भी काट देंगे, ताकि मतलब अच्छे से वो मतलब धुंधला धुंधला ना दिखे, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है, मिलते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे ये कट हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, हाँ, तो मैंने बैकग्राउंड उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे हम एफएक्स में जाएंगे, ठीक है, इस एफएक्स में जाएंगे। एफएक्स में जाने के बाद ठीक है सीधा जो है ब्लर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको ब्लर कर देंगे, ठीक है, दोबारा से इसको ब्लर मार देंगे, ओके, सब जो मतलब ब्लर हो जाए दोबारा से, ठीक है। जो ब्लर हो गया, ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा तो पहले से ब्लर था, पर नीचे वाला हिस्सा जो है ना ब्लर नहीं था, सही है। ये वाला हिस्सा जो था ये ब्लर था, ये वाला जो है ब्लर नहीं था, सही है। तो हमें ऊपर वाले से ब्लर हटा देना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, ब्लर सही है, इसी तरह ही ठीक है ब्लर, ठीक है। ये वाला फोटो हमने भी कट किया था, ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे, इसको कर लिया, ठीक है। तो इसे हम फुल रख देंगे, ठीक है। तो देखो कितना ज़बरदस्त दिखे, ठीक है, तो बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया, यहाँ से हम डन कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ये ओके हो गया, ठीक है। इसके बाद जाएंगे बॉर्डर पे, बॉर्डर में जाएंगे तो इनर जो है, इनर वाला ऑप्शन जो है, इसको आउटर वाला
ऑप्शन जो है ऑफ कर देंगे, इनर वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल वन पे रख देंगे, ठीक है। तो इसको कर देंगे यहाँ से डन। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, ये ब्यूटी वाले ऑप्शन पे, ठीक है, रिटच। रिटच वाले ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा स्किन टोन, ठीक है। स्किन टोन में जाएंगे, स्किन टोन में सबसे पहले वाइट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके हो गया। सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल कल का पिंच कर देंगे, जो भी शिकायत थी यहाँ से ख़त्म हो गई, ठीक है। जो जो से देखे तो आपको करना है वहाँ पर कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ पर मुझे करना होगा मैंने वहाँ पर कर लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ से तो पिक बिल्कुल डन हो गई है, हमारे पिक जो बिल्कुल डन हो गई, ओके हो गया हमारे पिक, ठीक है। यहाँ से ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। देखो तो कितने रियलिस्टिक तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह आपको मतलब चाहिए क्या होगा, जिस पोजीशन में आपने तस्वीर खींची है, ठीक है, जिस पोजीशन में तस्वीर खींची है, जैसे ये लो एंगल से तस्वीर खींची है, जो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ये मेरा जो एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, ये अभी कराची में मतलब मेरे पास नहीं है, ठीक है, अभी गया हूँ पेशावर, ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप पर तस्वीर सेंड की थी, तो ये इन्होंने भी तस्वीर जो है लो एंगल से खींची, जो बैकग्राउंड भी है ना वो भी लो एंगल का बैकग्राउंड है, ठीक है, लो एंगल से वो बैकग्राउंड को भी जो है लो एंगल से क्लिक किया, तो इस वजह से बहुत अच्छे से मर्जो है। तो जिस एंगल से आपने खुद की तस्वीर खींची है उसी एंगल का बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी एडिट होगी तस्वीर, बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है, बस ओनली फेस मूव तो बैकग्राउंड चेंज, ठीक है। तो आप जो हैं थोड़े से जो हैं लिपस्टिक लगा लोगे और थोड़े से जो आंखों के फ्रेम्स वगैरह से सेट कर लोगे तो इसकी वजह से वीडियो बहुत बढ़ जाएगी, पहले से भी इतनी बड़ी हो गई है तो और भी बढ़ जाएगी, इस वजह से मैं आगे नहीं बता रहा, ठीक है। तो बाकी आपको खुद जो है और वीडियोज़ में देख लो, वहाँ से सब कुछ समझ आ जाएगा, तो वहाँ से और आपको जो जो करना है, जो जो सेट करना है खुद अपने हिसाब से सेट करना, ठीक है। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो हमारी, तो चलिए इजाज़त है हमें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।